नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। जिस मां ने अपने बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया, उसके लिए दिन रात मेहनत भी की ताकि बच्चों को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उस मां को क्या पता था कि एक दिन वही बेटा उसकी हत्या कर देगा। मामला है पानीपत के बबैल गाँव का, जहाँ बेटे ने एक एकड़ जमीन के लिए माँ की गला घोट कर हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कलयुगी बेटी ने जमीन के लालच में मां की हत्या कर दी। मां ने जमीन बेचने से मना कर दिया था। इसके बाद बेटी ने मां को गला दबाकर मार डाला। घटना पानीपत के बबैल गांव की है। पानीपत के बबैल गांव में एक एकड़ जमीन बेचने से मां ने मना कर दिया था। इससे खफा होकर युवक ने अपनी 70 साल की मां की गला घोट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद से ही आरोपित फरार है। पुलिस की 3 टीमें आरोपित की तलाश कर रही हैं। इस वारदात से ग्रामीण भी अचंभित हैं। बबैल गांव के कृष्ण ने पुलिस को शिकायत दी कि वो 5 भाई व बहनों में बड़े भाई खेल सिंह की 2 साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद भाभी सीमा 10 वर्षीय बेटी सिमरन और 7 साल के लक्ष्य को छोड़कर झगड़ा कर चली गई थी। दोनों बच्चों का पोषण उनकी मां 70 साल की रुकमन देवी कर रही थी। पुश्तैनी 3 एकड़ जमीन को तीनों भाइयों ने बांट लिया था, लेकिन जमीन का ठेका मां लेती थी। इससे छोटा भाई कविंदर नाराज था। भाई बार बार मां पर जमीन बेचने के लिए दबाव डाल रहा था। मां ने मना कर दिया था। भाई ने धमकी दी थी कि जल्द ही उन्हें खत्म कर देगा। भाई कविंदर घर आया और मां को जमीन बेचने के लिए कहने लगा। मना किया तो भाई ने मां की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। सेक्टर 13-17 थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपित कविंदर की तलाश शुरू कर दी है। कल शाम को हमारे पास इंटीमेशन आई थी कि बबैल गांव में एक लेडी है रुकमणी देवी, उसके लड़के ने उसकी हत्या कर दी है और मौके से भाग गया। ये सूचना पर हम यहाँ से पानीपत में आए हैं। डेड बॉडी यहाँ वारसन ले आए थे। हमने पताचोई करी है। उसका लड़का है कृष्ण कुमार, उसने शिकायत दी अपने भाई के खिलाफ कि मेरी माँ घर में अकेली थी, उसके पास उसके छोटे छोटे 2 पोता और पोती थे। पीछे से मेरा छोटा भाई आया, उसका नाम कविंदर है, और वो कविंदर अपनी माँ को बार बार, पहले से भी कई बार दबाव डाल रहा था कि मेरे हिस्से की ज़मीन मुझे दे दो और मैं उसको बेचूँ या जो मर्ज़ी करूँ, तो परिवार वाले भी भाई ये ख़राब कर देगा, ज़मीन को बेच देगा, इसलिए परिवार वाले मना कर रहे थे। तो कल भी उसकी माँ ने मना किया ना, भी मैं ज़मीन ऐसे तुम्हारे नाम नहीं कराती। तो इस बात में वो तैश में आ गया। घर में बुढ़िया अकेली थी, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो उसने उसी हत्या कर दी। कौन से तरह से? अभी जो इनिशिएटिव हमें मिला है तो यही है कि उसने गला दबा के हत्या की है, या फिर कोई जहरीले कोई गोली वगैरह दे के की है। हमें वोमिटिंग का कोई सैंपल वगैरह मौके पर नहीं मिला। अभी डॉक्टरों का अपने बोर्ड बनवा दिया है, बोर्ड से डॉक्टर साहब का पोस्टमार्टम करवाएंगे, जैसा होगा तो कॉज ऑफ डेथ क्लियर हो जाएगी। उसके भाई के बयान पे हमने 302 की एफआईआर दर्ज कर दी है। डेड बॉडी को अभी वारसन के हवाले करके एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लेंगे। कोई महिला का भी हाथ बताया जा रहा है, बीच में कोई महिला के साथ इसके संबंध है, जो आरोपी है? वो इन्वेस्टिगेशन देखते हैं क्या आता है। अभी तो सबसे पहले तो हम इनका पोस्टमार्टम करवा के बॉडी हवाले करेंगे वारसन के, और उसकी तलाश करेंगे आरोपी की। ऐसा कुछ सामने आएगा तो उसको फाइल पर लेके आएंगे। देखते हैं। सिमरन ने दादी रुकमन को चारपाई पर मृत पड़े देखा था। उसने पड़ोसियों को सूचना दी थी। पड़ोसियों ने फोन पर कृष्ण के सर्जनों को सूचित किया। इसके बाद परिजन पड़ोसियों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वारदात के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी उनकी गिरफ्त में होगा और मामले की हर पहलू से जांच भी की जा रही है, लेकिन इस वारदात ने माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।
300 वर्षों से विश्वसनीय है। इस ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।